दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन अब होने में महज कुछ दिनों का समय बचा है और दिल्ली को सजाने संवारने की जो प्रक्रिया है वो अंतिम दौर में। हमारे साथ सौरभ भारद्वाज हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं। सर, किस तरीके की सजावट हो रही है और चूंकि अब बहुत कम समय रह गया है, क्या दिल्ली पूरी तरह से तैयार? देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का निर्देश है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार की कोई कमी ना रह जाए और G20 के अंदर आने वाला हर आदमी दिल्ली वालों को और दिल्ली को याद रखे। इसलिए जितनी भी रोड्स हैं सबको सजाया गया है, संवारा गया है, मेंटेनेंस की जा रही है, चाहे पैदल चलने के लिए जगह हो, चाहे साइकिलिंग की जगह हो, सबको खूबसूरत बनाया गया है। लाखों पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जितने फ्लाईओवर्स हैं उनके नीचे खूबसूरत चित्र हमारे कल्चर को, हमारी हिस्ट्री को दिखाने के लिए बनाए गए हैं। जितने हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं उनको रोशन किया गया है, उनको सवारा गया है, सजाया गया है। जितने टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनके ऊपर दिल्ली सरकार ने काम किया है। हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर सभी होटल्स के अंदर 24 घंटे मौजूद रहेंगे, 24 घंटे। हमारी जो एडवांस सपोर्ट की एम्बुलेंसेज हैं वो इन कारकेट्स के साथ हमेशा मौजूद रहेंगी, हमारे स्पेशलिस्ट मौजूद रहेंगे। हर तरीके की तैयारी दिल्ली सरकार ने कर ली है और दिल्लीवासी अपने मेहमानों के इंतज़ार में आज हैं कि जब वो जाएं तो दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल की सरकार को याद रखें। सर, खूबसूरत बनाया जा रहा है दिल्ली को, लेकिन इस खूबसूरती में एक विवाद भी आ गया जब शिवलिंग जैसे फव्वारे वहाँ पर बनाए गए थे। पहले तो ये बताया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने वो बनाया है, अब वो LG साहब ने ही बनाया है। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी का रुख क्या है? देखिए, मामला 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और उन्होंने कहा कि ये काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया है, लिहाजा आतिशी के ऊपर FIR दर्ज कराई जाए। जब पता चला कि ये काम उनके द्वारा लगाए गए LG साहब ने किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी चुप है, गायब हो गई। ये भगवान शिव का प्रतीक, भगवान शंकर का प्रतीक शिवलिंग होता है, जिसको हम लोग पूजा करते हैं, जिसका हम जल अभिषेक करते हैं, उसको इस तरीके से फुव्वारे या झरने की तरह इस्तेमाल करना पाप है। LG साहब ने पाप किया है और LG साहब को अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। कैसे प्रायश्चित करेंगे? कल आपकी पार्टी के कुछ विधायकों ने दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात की थी, उनके खिलाफ FIR और मुकदमा दर्ज कराने की बात की थी। आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर के आगे जाने वाली? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सही में हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखती है तो उनको अपने LG के खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए, वरना ये बात सामने आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठी ठेकेदारी करती है, सिर्फ विवाद करने के लिए हिंदुओं का इस्तेमाल करती है, मगर उनको ना हिंदुओं से मतलब है, ना आस्था से मतलब है, ना भगवान शंकर से मतलब है, और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सामने एक्सपोज हो जाएगी। एक सर अलग सवाल है, आज आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो रही है, कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी बहुत सफलतापूर्वक, कितना सफल वैज्ञानिकों का ये उपलब्धि अपमान? देखिए, आज से करीब 50 साल पहले 1969 में इसरो की स्थापना हमारे पूर्वजों ने की, विक्रम साराभाई हों या और APJ अब्दुल कलाम हों, ये बड़े बड़े महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ स्पेसशिप्स को, स्पेस साइंस को अपना एक एक पल दिया। आज उन लोगों की आत्मा बहुत प्रसन्न होगी कि वर्षों की मेहनत के नतीजे से चंद्रयान जा रहा है, सूर्यान जा रहा है, और मैं देश के सभी वैज्ञानिकों को सलाम करना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आज विज्ञान की जीत हुई, बच्चे पढ़े लिखें, वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने, इस सोच के साथ हमें देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और TV9 भारतवर्ष के साथ इन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली सरकार ने जो तैयारियां की है, दिल्ली सरकार ने जो कोशिश की है G20 समिट को सफल बनाने के लिए, जो भी सजावट की जा सकती है, जो भी तैयारी यहाँ पर की जा सकती है, उसका उन्होंने मुआयना भी किया है। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये इसको रीडेवलप किया गया है,
ये एक तरह का अल्टरनेटिव रास्ता भी के तौर पर भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि हौज खास का ये इलाका है और एयरपोर्ट से जब प्रगति मैदान तक ये रास्ता जाएगा तो वीआईपी मूवमेंट की वजह से मेन रास्ते बंद रहेंगे, तब जो आम लोग हैं वो इन रास्तों का इस्तेमाल कर सकेंगे। और ख़ास तौर पर इसको खूबसूरत बनाया गया है, इसकी दोबारा से पेंटिंग की गई है, इसको सजाने की कोशिश की गई है ताकि दुनिया भर के जो डेलीगेट्स अलग अलग देशों के यहाँ पर आएँ, बड़े नेता यहाँ पर आएंगे, राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, तो दिल्ली की एक खूबसूरत तस्वीर उनके सामने दिखाई देगी और उसी खूबसूरती को एक तरीके से और ज़्यादा बेहतर करने की और ज़्यादा उसमें चार चांद लगाने की कोशिश अपने अपने स्तर पर केंद्र सरकार की ओर से, दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से और दिल्ली की सरकार की ओर से की जा रही है। और उसी के तर्ज पर आप कह सकते हैं कि जो तमाम इस तरह के जो कॉरिडोर्स हैं उसको रीडेवलप किया जा रहा है, उसको सजाया जा रहा है, क्योंकि इस रास्ते से जब बड़े नेता और दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष जाएंगे तो उनके सामने दिल्ली की एक ऐसी अच्छी और साफ़ सुथरी इमेज होकर उनका काफिला गुजरेगा। और इसी के लिए ये तमाम जो सरकारें हैं वो इस तरह का प्रयास करती हुई नज़र आ रही है। कैमरामैन गजेंद्र सिंह के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष,